Hello, CLAT aspirants. Welcome to an academy. Let's crack CLAT PG. This is Manjari Singh, your CLAT PG educator. आज बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि इस टाइम आपकी तैयारी जोरों शोरों से चल रही होगी। मैं काफ़ी बार डिस्कस पहले भी कर चुकी हूँ कि एक होती है तैयारी करना और एक होता है सही तरीके से तैयारी करना। इन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। जो भी इस पेपर में बैठ रहा है वो पढ़ाई ज़रूर कर रहा होगा, बट वॉट मैटर्स द मोस्ट इज कि तैयारी कैसे चल रही है। जब आपकी तैयारी स्मार्ट स्ट्रैटेजी के साथ होती है, एकदम सही लाइन पे होती है, इन दैट केस आप अच्छा स्कोर कर पाते हो एंड देन आपको सिलेक्शन आपका हो जाएगा एंड यू विल बी लैंडिंग अप इन योर फेवरेट NLU। आज इसी पर हम बात करने वाले हैं कि 90+ मार्क्स क्लैट पीजी के पेपर में कैसे स्कोर करें, किन किन बातों का ध्यान रखना है जिससे हमारे 90+ बड़े आराम से आ जाएंगे। तो कुछ बातों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। अगर आप उनका ध्यान रखोगे तो डेफिनेटली यू विल बी गेटिंग 90+ मार्क्स, 100+ मार्क्स फॉर श्योर। तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले, वी कांट चेंज द डायरेक्शन ऑफ द विंड बट वी कैन एडजस्ट द सेल्स। ये मैं क्यों कह रही हूँ, ये मैं सीधे सीधे आपके पेपर पर अप्लाई करते हुए कह रही हूँ। हम पेपर को नहीं प्रिडिक्ट कर सकते। क्लैट पीजी, आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि क्लैट कंसोर्शियम जो है वो हर बार कुछ ना कुछ नए सरप्राइजेस लेकर आता है, बट यहाँ पर व्हाट मैटर्स इज कि हमें ये नहीं पता है कि पेपर कैसा आएगा। पेपर का फॉर्मेट पैटर्न हम भले जानते हैं, बट कौन कौन से सब्जेक्ट से पूछेंगे, किससे नहीं आएगा, डिफिकल्टी लेवल क्या होगा, ये हमेशा अनप्रडिक्टेबल होता है किसी भी एग्जाम के लिए। सेम यहाँ पर भी अप्लाई होता है। तो हम पेपर को नहीं प्रिडिक्ट कर सकते हैं, बट वॉट वी कैन डू, हम खुद को इतना तैयार कर सकते हैं कि पेपर जैसा भी आए वी विल डेफिनेटली मेक इट। वो हमारा फॉर्मूला होना चाहिए और आज उसी फॉर्मूले के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। मैं आपको कुछ ऐसी बातें आज बताने वाली हूँ जो आप करके जाओगे तो पेपर कैसा भी आएगा, पेपर टफ हो, पेपर ईजी हो, कैसा भी होगा, बट आप उसको टैकल कर ले जाओगे बड़ी आसानी से। तो इस कोट को अपने दिमाग में बैठा लो और आपको ये करना ही करना है। ये आप सोच लीजिए कि आपको कैसे भी ये पेपर निकालना है, क्रैक करना है। तो सबसे पहला फॉर्मूला 90+ मार्क्स लाने के लिए, यू नीड टू कवर द केस लॉज ऑफ द लास्ट 3 ईयर्स। लास्ट 3 ईयर्स का मतलब क्या है? लास्ट 3 ईयर्स का मतलब यहाँ पर है 2020 से 2023। ठीक है, मैं सेशन टाइप का इसको ले रही हूँ, 20 से 21, 21 से 22, 22 से 23, मैं सेशन की तरह इस पर बात कर रही हूँ। 2020 से 23 तक के जजमेंट्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि आप 23 में एग्ज़ाम दे रहे हो तो ऑब्वियसली पढ़ोगे, एक प्रीवियस ईयर 22 आप पढ़ते ही पढ़ते हो, लेकिन क्योंकि पैटर्न 20 से चेंज हुआ है और जब आप प्रीवियस ईयर पेपर्स देखोगे तो आपको कहीं ना कहीं तुरंत इंस्टेंट वाले लेटेस्ट जजमेंट नहीं मिलेंगे, बट कुछ थोड़े से पुराने मिल जाएंगे। जैसे 2022 वाला जब पेपर हुआ था तो उसमें 22 के जजमेंट्स तो देखे ही गए, लेकिन साथ ही साथ 20 के भी पूछ लिए गए थे, तो 2-3 साल पीछे वो जाके आपसे पूछ ही रहे हैं। कीपिंग दैट इन माइंड, आप रिस्क नहीं लेना चाहते हो तो 20 से 23 के जजमेंट्स को अच्छे से पढ़ लो। यहाँ पर मैं वो चीज़ें आज डिस्कस कर रही हूँ जो आपको किसी भी कीमत पे छोड़नी नहीं है। अगर आपने उनको छोड़ दिया तो डेफिनेटली यू आर कॉम्प्रोमाइजिंग इन योर पेपर, और कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। तो अगर इतना ही करके चले जाओगे ना जितना आज मैं बता रही हूँ, तो डेफिनेटली 90+ मार्क्स ले आओगे। मैं श्योर शॉर्ट फार्मूला बता रही हूँ। तो आपको लास्ट 3 ईयर्स के पेपर तो कवर, सॉरी केस लॉस तो कवर करने ही करने हैं। अब इसमें किन किन सब्जेक्ट्स पे ज़्यादा ध्यान देना है? कहोगे मैम केस लॉस छांटे कैसे, हमें पता कैसे चलेगा? तो बहुत ईजी फार्मूला है, जो जो सब्जेक्ट्स आपके मेन हैं, जिन पर आपको फोकस करना है, वही उन सब्जेक्ट के केस लॉस इम्पॉर्टेंट है। जैसे सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, ये तो मेजर सब्जेक्ट है जिससे सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, 30 मार्क्स का शायद इसी से आ जाएगा, तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से रिलेटेड केस लॉज आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। सेकेंड, क्रिमिनल लॉ से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट है। रिसेंट में आपने देखा होगा बेल पर आया है, FIR लॉजिंग पर कुछ ना कुछ आता रहता है। अब इसमें तो बहुत सारे मामले हैं, मैं कितना ही डिफाइन करूँगी। अभी रिसेंट एक जजमेंट आया था जिसमें कॉमन ऑब्जेक्ट और कॉमन इंटेंशन में डिफरेंस बताया था, आपका ये 304 में डिफरेंस और 302 में डिफरेंस बताया गया था, जजमेंट के थ्रू कोर्ट बता रही है डिफरेंसेस। तो ये सब क्रिमिनल लॉ के तो टॉपिक हैं,
तो ये आपको करने ही पड़ेंगे, ठीक है? आपको देखना पड़ेगा कि कहीं नया एस्पेक्ट तो कोई नहीं आ गया किसी जजमेंट के थ्रू। थर्ड आप जो करोगे वो हो गए आपके इन्वायरमेंट से रिलेटेड केस लॉज। ये मैं केस लॉज की बात कर रही हूँ, ठीक है? इन्वायरमेंट से रिलेटेड केस लॉज। अच्छा, जूरिस्प्रूडेंस में तो केस लॉज इतना देखने को नहीं मिलता है, जूरिस्प्रूडेंस आपके लिए आइडेंटिफाई करना भी मुश्किल होगा, तो वो आप ज्यादातर थ्योरी पे ध्यान दो, और जो रिलेटेड केस लॉज आप अभी तक जूरिस में पढ़ते आए हो आप उन पे ध्यान दो, वो आपका कवर हो जाएगा। सेकेंड, हमारा PIL, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ से रिलेटेड जो भी केस लॉज आए हैं उन पे भी आपको ध्यान देना है। फिर आ जाता है आपका कंपनी लॉ से रिलेटेड केस लॉज, ठीक है? कंपनी लॉ आएगा ही आएगा, आपको पता है, 1 पैसे जरूर आएगा, तो आपको उससे रिलेटेड केस लॉज पे ध्यान देना है। नेक्स्ट आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है ये IPR वाला, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क और पेटेंट से रिलेटेड अगर कोई भी केसेस आए हैं तो वो आपको करने ही करने हैं, आप उसको बिल्कुल भी निग्लेक्ट नहीं कर सकते। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैमिली लॉ, फैमिली लॉ पूरा बोल रही हूँ क्योंकि हिंदू मुस्लिम से रिलेटेड जितने भी मैटर्स हैं, चाहे वो एडॉप्शन का हो, चाहे वो मेंटेनेंस का हो, चाहे वो मैरिज का हो, चाहे वो डाइवोर्स का हो, चाहे वो सक्सेशन का हो, आपको कवर करना है। आप देखते हो आए दिन डाइवोर्स पे केसेस आते हैं, आए दिन आपका मेंटेनेंस पे देखने को मिलता है, तो ये टॉपिक जरूर कवर करें, इससे आपका बहुत भला हो जाएगा, ठीक है? तो ये कुछ मेजर टॉपिक्स हो गए जिनके केस लॉज आपको कवर करने हैं। कॉन्ट्रैक्ट वगैरह में क्या है, लैंडमार्क के पूछे जाने के ज्यादा चांसेस होते हैं। अगर वो रिसेंट पूछेंगे भी कॉन्ट्रैक्ट में, तो जो क्वेश्चंस होंगे वो फंडामेंटल्स पर होंगे, तो वो आप कर लोगे, ठीक है? टॉर्ट्स के केसेस इसलिए मैं नहीं कह रही हूँ क्योंकि टॉर्ट्स आप जानते हो कि हमारे इंडिया में बहुत ज्यादा एप्लीकेबल नहीं है, ये आपका इंग्लिश लॉ में ज्यादा देखने को मिलता है। तो अगेन टॉर्ट्स में वही बात आती है, हो सकता है कोई लैंडमार्क जजमेंट दे दे और उससे फिर आपके क्वेश्चंस हो, तो वो भी आप कर लोगे अगर आपने पढ़ रखा है। ये मैं फंडामेंटल्स की बात नहीं कर रही हूँ, दिस आई एम टॉकिंग अबाउट रिलेटेड टू द केस लॉज। केस लॉज में इन इन सब्जेक्ट पे जो जो केस लॉज मिले उसको आपको हर हाल में कवर करना है। अगर इतना आपने कर लिया तो आप बहुत ज्यादा सेफ जोन में जा रहे हो, आप 60+ मार्क्स पर तो जा चुके हो आराम से अगर आपने केस लॉज कर लिया। तरीका क्या होगा इनको करने का, जब आप इस केस लॉ को पढ़ रहे होंगे तो मैंने पहले भी बताया, एक बार फिर से रिपीट करती हूँ, सबसे पहले तो केस का नाम आपको याद हो जाना चाहिए, ठीक है? केस का नाम, आप कौन से जजमेंट से पढ़ने हैं, सुप्रीम कोर्ट के सारे डिसाइडेड जजमेंट्स एंड हाई कोर्ट का वो जजमेंट जो डिसाइडेड है एंड उसमें कुछ नया निकल के आया है, कुछ ऐसा प्रिंसिपल लेट डाउन किया गया है जिसने पिछले केस लॉज के प्रिंसिपल को ओवर रूल किया है या अपहेल्ड किया है, तो उस केस में आप हाई कोर्ट के जजमेंट्स की भी इंपॉर्टेंस को देखोगे। जैसे आए दिन कर्नाटका हाई कोर्ट काफी इश्यूज पे बात करता है, तो आप उसको डेफिनेटली देखोगे, आप इलाहाबाद हाई कोर्ट को देखोगे, आप केरला हाई कोर्ट पे फोकस करोगे, ठीक है? कुछ हाई कोर्ट्स हैं जो बहुत एक्टिव रहते हैं, जो जनरली ओवर रूल वाली चीजें करते रहते हैं, तो उन पे आपको डेफिनेटली ध्यान देना ही देना है। तो नाम इम्पॉर्टेंट है, देन बेंच इम्पॉर्टेंट है, बेंच में आपको पता होना चाहिए मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी, दिस इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट। अगर कोई एक या दो माइनॉरिटी है तो डेफिनेटली उनका साइड भी जरूर पढ़ो, ठीक है? ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, फिर आपके लिए फैक्ट्स इम्पॉर्टेंट है, एंड देन सीधे आपके लिए जजमेंट इम्पॉर्टेंट है। बिल्कुल भी इस पे मत जाना क्या एविडेंस दिए गए, क्या अपलांट ने क्या कहा, रिस्पोंडेंट ने क्या कहा, बिल्कुल भी वो नहीं जानना है, सिर्फ फैक्ट्स को समझ लिया कि मामला क्या था एंड देन सीधे जजमेंट पे चले गए। अब जजमेंट में आपके लिए इम्पोर्टेंट है ऑर्बिटर डिक्टा देखना और रेशियो डिसेंड डाई देखना, ठीक है? आपको प्रिंसिपल पता होना चाहिए, आपको रीजन पता होना चाहिए कि आखिर इस जजमेंट को ऐसा क्यों दिया गया है, ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और अगर किसी को ओवर रूल किया है तो आपको प्रीवियस जजमेंट के बारे में भी मालूम होना चाहिए। जब आप ये पूरे जजमेंट की सीरीज को पढ़ रहे होंगे, ध्यान दे रहे होंगे, तो उस वक्त आपको रिलेटेड प्रोविजंस, जब आप सबसे पहले जजमेंट खोलते हो तो आपको दिखता है ना, सबसे पहले ऊपर इंडेक्सिंग टाइप की जो रहती है उसमें बेंच का नाम भी, जजेस का नाम होता है और प्रोविजंस भी होते हैं, उन प्रोविजंस को भी आपको उसी वक्त कंप्लीट करना है। दिस आई एम टॉकिंग अबाउट कि अगर आप सिर्फ यही करने वाले हो जो मैं बता रही हूँ, तो आपको इस तरीके से पैटर्न को फॉलो करना है, क्योंकि वो उनका मन हो रहा है इस वजह से वो कोई प्रोविजन नहीं पूछेंगे, वो उस प्रोविजन को आपके एग्जाम में तभी पूछने वाले हैं बिकॉज वो प्रोविजन रिसेंट अभी न्यूज में रहा, केस लॉज में किसी में आया, किसी केस लॉ में, क्योंकि वो प्रोविजन डिस्कस हुआ है, दैट्स व्हाई दे आर गोइंग टू आस्क दैट प्रोविजन इन योर पर्टिकुलर एग्जाम। फॉलोइंग जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें ये पूछा जाएगा। तो आपको सिर्फ केस लॉ ऐसे नहीं कि ऊपर से बस नीचे तक पूरा रीड कर लिया, नहीं, दिमाग में रखना है, और दिमाग में क्या क्या पोर्शन रखना है मैंने आपको बता दिया,
नेम हो गया, बेंच का नाम हो गया, मेजोरिटी माइनॉरिटी हो गया, फैक्ट्स हो गए और सीधे जजमेंट। और जजमेंट में भी क्या, रेशियो आपको पता होना चाहिए, आपको रीजन पता होना चाहिए, आपको प्रिंसिपल पता हो और आपको रिलेटेड प्रोविजन या फिर आपको पढ़ लेने हैं, ठीक है। दिस यू हैव टू डू, ये केस लॉस का पूरा पैटर्न हो जाएगा जो आपको कंप्लीट करना है। सेकेंड काम जो आपको करना है वो है लास्ट 3 ईयर्स के, एटलीस्ट लास्ट 3 ईयर्स के, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जरूर, लेकिन कम से कम लास्ट ईयर, वही अगेन जो मैं बोल रही हूँ, 2020 से 2023 वाला सेशन, ठीक है। ये जो सेशन है, वैसे आप कहोगे मैम ये तो 4 साल है ना, लेकिन मैं सेशन की बात कर रही हूँ कि अगर इस सेशन को कंप्लीट कर सकते हो तो ठीक है, नहीं तो कम से कम 2021 से 23 वाला जरूर कर लेना, ठीक। इतना तो करना है। अब क्या क्या करना है इसमें, अमेंडमेंट्स को करना है। जब सबसे पहले अगर मैं अमेंडमेंट्स की बात करूँ तो आपको पता है कि अमेंडमेंट्स, हमें बहुत सारे लॉज में अमेंडमेंट होता है, फिर भी हमारे दिमाग में सबसे पहले कौन सा आता है सब्जेक्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के तो इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट्स आपको आने ही चाहिए, ठीक है। इस पर मैं कोशिश करूंगी एक में सीरीज बना पाऊँ, ठीक है। इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट जो हैं ये आपको कवर करने ही करने हैं, ठीक है। प्लस 100 के बाद से अभी तक जो भी अमेंडमेंट्स आपके हो गए, ठीक है, वो आपको कवर करने पड़ेंगे। इम्पॉर्टेंट में आप जानते हो आपके लिए 42nd इम्पॉर्टेंट है, आपके लिए फर्स्ट अमेंडमेंट इम्पॉर्टेंट है, आपके लिए 44th इम्पॉर्टेंट है, देन उसके बाद आपके लिए 103rd वाला इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, 52nd इम्पॉर्टेंट है, ऐसे कई सारे हैं, 61st है। तो ये सारे अमेंडमेंट्स इंपॉर्टेंट में आ जाते हैं जो आपको पता होने चाहिए। प्लस आपको 100 के बाद से जितने भी अमेंडमेंट्स हुए हैं वो तो आपको करने ही करने हैं। ये हो गया कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। प्लस व्हाट यू हैव टू डू, इंडियन लॉ के जितने भी अमेंडमेंट्स हैं, ठीक है, इंडियन लॉ के अमेंडमेंट्स, यानी और जो अमेंडमेंट्स हो रहे हैं, मगर मोटर व्हीकल में कोई हो रहा है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन में कोई हो रहा है, क्रिमिनल लॉ में कोई हो रहा है, कंपनी में कुछ हुआ है, तो इन सारे अमेंडमेंट्स को भी आपको देखना है। एक्ट्स हो गया, ठीक है, अगेन कोई नया एक्ट आ रहा है या फिर कोई अमेंडमेंट हुआ है किसी एक्ट में, तो ये सब ये इंटर रिलेटेड हो गया। फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके पास बिल आ जाता है। अब बिल को तो वैसे नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि बिल जब तक कि एक्ट नहीं बन जाता उसका कोई मतलब नहीं है, बट वो बिल जो कॉन्ट्रोवर्शियल होते हैं, ठीक है, जो बहुत बेसब्री से इंतज़ार वाले होते हैं, फॉर एग्जाम्पल देखो कॉन्ट्रोवर्शियल में क्या आ गया, डेली सर्विसेज बिल, अभी रिसेंट का, ठीक है, इस पर वीडियो भी है, अगर आप देखना चाहते हो तो चैनल पर जाके देख सकते हो। सेकेंड, जो बहुत शिद्दत से इंतज़ार वाला होता है, ठीक है, वेटिंग लिस्ट वाला बिल, कौन सा बिल है, क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट, ठीक है, जो पूरे के पूरे क्रिमिनल लॉ को आपके बदलने वाला है। तो ये आपके लिए बिल्स इंपॉर्टेंट है। और भी जो बिल आए हुए हैं जो इसी तरीके से कॉन्ट्रोवर्सी में रहे हैं, जैसे फार्मर्स वाला जो था वो एक्ट बन गया, उस एक्ट को आपके लिए जानना जरूरी है। सिटीजनशिप वाला जो बाद में एक्ट बन गया वो इम्पॉर्टेंट है, तो इन पर भी ध्यान देना है। क्यों? क्योंकि ये भी कंटेम्प्रेरी इशूज में आता है। कंटेम्प्रेरी इशूज में सिर्फ केस लॉज नहीं है, उसमें एक्ट्स भी आएंगे, बिल्स भी आएंगे, अमेंडमेंट्स भी आएंगे। कुछ मैंने यहाँ पे नाम दे रखे हैं, इनको तो जरूर कवर कर लेना, ठीक है, ये कुछ है इम्पॉर्टेंट, ठीक है, सम, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि ये सारे हैं, ये कुछ मैंने कोट कर दिए, आपको इससे एक आइडिया लग जाएगा। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन स्केड्यूल कास्ट ऑर्डर अमेंडमेंट एक्ट 2021 का, आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन अमेंडमेंट एक्ट 2021 का, जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट एक्ट 21 का, कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2020 का, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 2020 का, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसके बाद अभी एक केस लॉज भी आया था, केस लॉ, ठीक है, तो इस वजह से जिन पर रिलेटेड केस लॉज भी आते हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। एपिडेमिक डिजीजेज अमेंडमेंट एक्ट हो गया, देन आता है आपका क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन एक्ट 2022 का, फैमिली कोर्ट्स अमेंडमेंट एक्ट 2022, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडियरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड अमेंडमेंट रूल 2022, न्यू अमेंडमेंट्स हुए हैं लेबर लॉज में, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि लेबर लॉ भी आता है पेपर में। दिल्ली सर्विसेज बिल इज इंपॉर्टेंट, क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट बिल इज इंपॉर्टेंट, एंड ऑल्सो द डेटा प्रोटेक्शन बिल, ठीक है। ये सम एग्जाम्पल्स थे, ये तो करोगे ही करोगे, इसके बाद जो आसपास और दिखता जाएगा उसको काइंडली प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इसको अगर आप मिस आउट करके जा रहे हो तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। फोकस एरियाज, अब मैंने बात कर ली, केस लॉज हो गए, अमेंडमेंट्स हो गए, एक्ट्स हो गए, बिल्स हो गया, ठीक है। अब मैं सब्जेक्ट की बात करती हूँ। जब आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, यानी कि ये जब आप फंडामेंटल्स आपको अपने क्लियर करने हैं, तो फंडामेंटल्स क्लियर करने में मैम हमें कौन कौन से सब्जेक्ट पे ध्यान देना है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, ये जो सीक्वेंस दे रखा है ना, इसको ऐसे ही रखना, ये यही सीक्वेंस है ये पूरा, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ अकेले 30 मार्क्स का लगभग, ठीक है।
क्रिमिनल लॉ 20 मार्क्स ले सकते हैं, सीआरपीसी आईपीसी से मान लो 20 मार्क्स आ गया, एविडेंस भी आ गया तो 30 हो सकता है, जूरिसप्रूडेंस 10 से 20 ठीक है रहेगा ही रहेगा, इंटरनेशनल लॉ अगेन 10 से 20, कॉन्ट्रैक्ट हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है ठीक है, तो इसको मैंने गोला मार दिया, कंपनी रहेगा ही रहेगा 10 मार्क्स का, आईपीआर 10 मार्क्स का, इन्वायरमेंट ज़रूर रहेगा 10 मार्क्स का, फैमिली हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है बट अगर रहेगा तो ऑब्वियसली बात है 10 से 20 मार्क्स का, कॉन्ट्रैक्ट 10 मार्क्स का ठीक है। तो अब आप अगर देखो जो आने ही आने हैं 30 20 50 हो गया, अगर इसको मैं 10 ले लूँ मिनिमम ले लूँ, 60 70 ठीक है 80 90 100, 100 सिर्फ इस सब्जेक्ट से निकल के आ गया, फैमिली और कॉन्ट्रैक्ट मैंने छोड़ ही दिया, अभी अभी छोड़ दिया तब मैं बता रही हूँ, 100 मार्क्स के करीब आप पहुँच गए हो। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि सब कुछ पढ़ने के चक्कर में मत पढ़ना, अगर इस टाइम आप पढ़ रहे हो तो कुछ ही टाइम बचा हुआ है, 3 दिसंबर को पेपर होने वाला है, आधा अगस्त है आपके पास, सितंबर अक्टूबर नवंबर 3.5 महीने हैं आपके पास, 3.5 महीने में अगर आप अब पढ़ने वाले हो तो फोकस एरियाज आपके इन सब्जेक्ट्स पे होने चाहिए, बिल्कुल भी हर तरफ मत भागिएगा कि लेबर लॉ भी पढ़ लेता हूँ, लैंड लॉ भी पढ़ लेता हूँ, प्रॉपर्टी लॉ भी पढ़ लेता हूँ, एविडेंस भी पढ़ लेता हूँ, और सब कुछ पढ़ने के चक्कर में इन सब पे ध्यान नहीं दिया। सिर्फ ये 9 पेपर अगर आप पढ़ के जा रहे हो तो 100 मार्क्स के अराउंड आप रहने वाले हो, अगर आपने इनको शिद्दत से पढ़ा है, मैं ये बात कर रही हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप अपने हिसाब से थोड़ा बहुत पढ़ के गए और जो उन्होंने पूछा वो तो आप पढ़े ही नहीं थे पहले से। तो मैं बात कर रही हूँ व्हेन यू आर स्टडीइंग दीज टॉपिक्स विद शिद्दत, अपना पूरा मन लगा के जितनी इंपॉर्टेंट फंडामेंटल्स है सब क्लियर कर लिया, केस लॉज लैंडमार्क्स क्लियर कर लिए, उससे रिलेटेड जो नए केस लॉज है इन सब्जेक्ट के सबके केस लॉज आप देखोगे, इन सबसे रिलेटेड जो रीसेंट केस लॉज है वो आपको देखना है, मैंने अभी पीछे नाम लिखा है आप मैच कर सकते हो ठीक है, एनवायरनमेंट छूट गया था, एनवायरनमेंट भी उसमें इंक्लूड हो जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि इतना तो सब्जेक्ट मुझे कंप्लीट हर हाल में करना है, अगर इतना कर लिया बेटा तो 90 से 100 मार्क्स के बीच में बड़े आराम से रहने वाले हो, मान लो थोड़े बहुत नेगेटिव मार्किंग हो गई तो 100 से प्लस आने वाला था लेकिन चलो 90 पे के आसपास आ गए। और आपको ये बात बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए कि 120 मार्क्स का पेपर है और एनएलयू का पेपर है ठीक है, क्लैट का पेपर दे रहे हो, 120 मार्क्स का है, नेगेटिव मार्किंग है, तो आपको लगेगा मैम कट ऑफ तो बहुत हाई नहीं जाती होगी ठीक है, कट ऑफ अगर नेगेटिव मार्किंग है तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, 20 मार्क्स का फर्क पड़ जाएगा, 100 के आसपास रहोगे तो टॉप 2 एनएलयूज पाओगे और 90 प्लस पे जाओगे तो टॉप 5 एनएलयूज पाओगे, फिर थोड़ा सा नीचे आते हो अगर 80 के अराउंड रहोगे, आपको 80 प्लस तो लाना है गाइस, 80 प्लस तो हर हाल में लाना है किसी भी एनएलयू में बनने के लिए, किसी भी एनएलयू के लिए एनी एनएलयू ठीक है, और 100 हो गया टॉप 2, 90 प्लस हो गया टॉप 5 ठीक है, ये रहने वाला है। तो ये टारगेट करो अगर किसी भी एनएलयू में जाना है, लग रहा है अरे किसी तरह घुस जाए बस, तो 80 प्लस सोच के चलो, टॉप 2 में जाना है तो 100 प्लस और टॉप 5 में तो 90 प्लस ठीक है, इनका ध्यान दोगे आराम से टॉप 5 में जाओगे आराम से। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप क्या है, मॉक टेस्ट और पीवाईपीज आर मैंडेटरी, बहुत मैंडेटरी है, बहुत जरूरी है, इनके बिना तो काम ही नहीं चलने वाला है, क्यों, क्योंकि उस दिन पर आप एक पूरा पेपर देने वाले हो, आप एक पूरा पेपर देने वाले हो 120 मार्क्स का 120 मिनट्स में ठीक है। तो आपने तमाम पढ़ लिया, बहुत प्रैक्टिस, बहुत कुछ देख लिया, रिवाइज कर लिया, बट अगर आपने प्रैक्टिस नहीं करी है ठीक है, नो प्रैक्टिस नो सिलेक्शन, जेन्युइन बात बोल रही हूँ, प्रैक्टिस नहीं करोगे सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि आपको तो पता ही नहीं है कि पैसेज पढ़ने में मैंने कितना टाइम लिया, आपको तो पता ही नहीं है कि मेरी इंग्लिश अच्छी थी कि नहीं थी, मैं जल्दी समझ पाता हूँ पैसेज को कि नहीं, आपने ये देखा ही नहीं कि पैसेज से क्वेश्चन आते भी हैं कि नहीं आते हैं, आप तो पैसेज में क्वेश्चन को ढूंढ रहे हो। तो जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आप क्या है? आप कुछ नहीं कर सकते, आप अपनी खुद हेल्प नहीं कर रहे हो, गॉड हेल्प्स दोस हु हेल्प्स देमसेल्फ, अगर अपनी मदद खुद नहीं कर रहे हो तो ईश्वर आपको सिलेक्शन क्यों देगा, ईश्वर तो उसको देगा ना जो सब कुछ मेहनत कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, जो रोज मॉक टेस्ट लगाता है, जो रोज पीवाईक्यूज लगाता है, उसको भगवान देंगे ना, क्योंकि उसको लग रहा है जरूरी है मेरे लिए। तो इन दोनों को तो आपको करना ही करना पड़ेगा, इसमें कोई दूसरा अल्टरनेटिव है ही नहीं। ये हो गया पीवाईक्यूज, PYQs की मैं बात करूं तो 2020 से लेकर 2023 इज मैंडेटरी, ये मैंडेटरी है ठीक है, एंड ऑप्शनल क्या है, ऑप्शनल इज बिफोर
2020, ठीक है, अगर टाइम बचता है तो लगा लो, नहीं बचता है तो कोई बात नहीं, लेकिन क्वेश्चंस का लेवल पता चलेगा। अगर लगाओगे उससे पहले वाले तो एटलीस्ट क्वेश्चंस का लेवल पता चलता जाएगा। मॉक टेस्ट की अगर मैं बात करूं तो मॉक टेस्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का आप ले सकते हो। अगर आपने कहीं पर भी बैच नहीं ले रखा है, ठीक है, तो आप वहां से ले सकते हो। अनअकैडमी के पास भी है, अनअकैडमी के पास भी मॉक टेस्ट है, ठीक है, अभी मैं बता दूंगी। 20 मॉक का पूरा सेट है, ठीक है, अगर आपने 20 मॉक्स भी लगा दिए ना तो डेफिनेटली आपको बहुत एक नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको लगाने में मिल गया, ठीक है, तो ये जरूर करना है। मॉक टेस्ट लगाओगे कैसे? मॉक टेस्ट लगाने के लिए सीधे सीधे वही 120 मिनट का टाइमर लगाना है, ठीक है, पहले, और फिर एकदम शांत कमरे में बैठ जाना है, सबसे कह देना है घर में या जहाँ पे भी रहते हो हॉस्टल में कि मुझे डिस्टर्ब मत करो। 120 मिनट में 120 क्वेश्चंस लगाने हैं, नेगेटिव मार्किंग को ध्यान में रखते हुए। ये नहीं कि कौन चेक करने जा रहा है, यू हैव टू कीप इन माइंड दिस नेगेटिव मार्किंग ऑल्सो, और उसी के अकॉर्डिंग आप इस पेपर को सॉल्व करोगे। जब आपने ये पेपर लगा लिया, अब रख दो उसको, ठीक है, टेक अ ब्रेक ऑफ 1 आवर एंड 1 घंटे बाद फिर से दोबारा बैठो एंड फिर इस पेपर को एनालाइज करो। एनालाइज कैसे करोगे? सबसे पहले आंसर की से मैच करोगे, ठीक है, एक करेक्ट वाला होगा, एक होगा इनकरेक्ट वाला और एक होगा अनअटेम्प्टेड, ठीक है। तो अनअटेम्प्टेड वाले ने तो जितना अनअटेम्प्ट किया उतना ही लूज किया, इनकरेक्ट में आपने नेगेटिव मार्किंग, उसको कैलकुलेट करोगे कितनी नेगेटिव मार्किंग जा रही है, 0.25 जो क्लैट का है उसी के हिसाब से करोगे, और करेक्ट में अपने को सही मार्क्स दे दिया। पूरा पहले खुद को देखोगे 120 में से मैं कितना ला रहा हूँ। अब उसके बाद क्या करोगे? उसके बाद बिल्कुल भी डिमोरलाइज होने की जरूरत नहीं है, अच्छा आ गया है तो ओवर कॉन्फिडेंट होने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल की नॉर्मल पर्सन की तरह इसको देखा, डील किया एंड नॉर्मल पर्सन की तरह फिर बैठ गए एनालाइज करने। सबसे पहले अनअटेम्प्टेड वाले देख लोगे क्योंकि शायद ये कम रहेंगे, तो सबसे पहले इनको डील कर लोगे कि मुझे क्यों नहीं आता था, ये पढ़ोगे, जो जो टॉपिक है वो पढ़ डालो उसी वक्त, खोल के देखो। इनकरेक्ट है तो फिर देखोगे कहाँ मैंने गलती कर दी, एंड देन एक बार करेक्ट वाले भी देखोगे, क्योंकि यू नेवर नो कि मैंने जो क्वेश्चन सॉल्व किया था वो मैंने सही किया था कि नहीं किया था, अगर आप उनको दोबारा नहीं देखोगे तो। सिर्फ इन दोनों को देखने से काम नहीं चलेगा, इसको भी आपको फिर से रिवाइज करना पड़ेगा कि हाँ जो मैंने सोचा था वो सही है, जिससे कि कल को अगर ये क्वेश्चन फंस जाता है तो आपको पता रहे कि हाँ मैंने मॉक में इसको सॉल्व किया था और इसका आंसर सही आया था। ये होती है पूरी स्ट्रैटेजी मॉक्स को लगाने की। PYQ उसके साथ भी सेम करेंगे, जब आप एक पेपर लगाएंगे तो 2020 का पूरा एक पेपर ले लिया आपने, 120 मिनट्स में 120 मार्क्स का सॉल्व किया, 21 का उसी तरीके से किया, पूरा 120 मिनट्स का ड्यूरेशन लेके आप पूरा पेपर उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। नाउ अब सब कुछ तो हमने कर लिया है, हम रिवीजन नहीं कर रहे हैं, हम मॉक्स लगा रहे हैं, हमने पूरा सिलेबस तैयार कर लिया लेकिन रिवीजन हमने नहीं किया, या फिर एक बार कर लिया है अब लग रहा है कि ज़रूरत नहीं है, ये सबसे बड़ी गलती है। पहले भी बताया है कि दिसंबर में पेपर है तो जो नवंबर का मंथ है, कीप दैट होल मंथ फॉर रिवीजन। मल्टीपल रिवीजन क्यों लिखा है? मल्टीपल इसलिए लिखा है क्योंकि अभी भी जो पढ़ रहे हो उसको डेली रिवाइज किया करो। आज एक टॉपिक पढ़ा है तो कल अगर दूसरा पढ़ने जा रहे हो तो उसको पढ़ने से पहले पिछला वाला कल का रिवाइज करो, भले 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, जितना टाइम आप दे पाते हो आप उस हिसाब से करो, लेकिन करो रिवाइज, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है तो होता है मल्टीपल। जब आज एक बार रिवाइज करोगे उस कल वाले टॉपिक को तो मे भी हो सकता है वो 1 घंटा ले ले, ठीक है, कल जितना पढ़ा था उतना रिवाइज किया तो 1 घंटा ले लेगा। फिर जब दोबारा, ये फर्स्ट टाइम रिवीजन है, जब सेकेंड टाइम रिवीजन करोगे तो वो 1/2 आवर लेगा, जब थर्ड टाइम रिवीजन करोगे तो वो 15 मिनट लेगा, एंड देन लास्ट फोर्थ रिवीजन करते करते इट विल टेक हार्डली 5 मिनट्स, ठीक है, या फिर हो सकता है नजरें ही हमारी काफ़ी हो उसको देखने के लिए, ठीक है, हमें याद रह जाएगा, अरे यार ये तो पता है मुझे, यहाँ पे मैंने ऐसे लिख रखा है। कहते नहीं, फोटो खींचो अपने दिमाग में, अपनी बुक्स की, बेयर एक्ट्स की, वो इंपॉर्टेंट होता है, आपको ये याद आना चाहिए उस वक्त कि मैंने कहाँ पर पढ़ा था, जब आप एग्जाम हॉल में बैठे हो कॉन्फिडेंस आता है, ठीक है। तो 4 रिवीजन तो आपको करने हैं, ये 4th रिवीजन आप मल्टीपल वाला नवंबर में कर सकते हो, ठीक है, ये 5th रिवीजन मल्टीपल, कोशिश करो ये वाले साथ साथ करते चलो, जब कल पढ़ा कुछ तो पिछले का रिवाइज करते गए, एंड नवंबर में, नहीं तो ये दोनों, ठीक है, तो 2 रिवीजन तो आपको नवंबर में करने ही करने। क्या अगर मैम पूरा महीना है नवंबर, 2 बार उसमें करवा लो, तो ठीक है 2 बार इधर कर लो एंड 2 बार उधर कर लेना, ये साथ साथ करते चलो और ये तब कर लेना। गाइज, रिवीजन एंड हार्डवर्क इज द ओनली की टू सक्सेस, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, रिवीजन एंड हार्डवर्क,
ये करने से होगा, सिर्फ इससे नहीं होगा, सिर्फ इससे नहीं होगा, ये तो तभी है ना पॉसिबल है ना जब इसको कर रखा हो। तो ये दोनों कीज आपको सक्सेस दिलाएगी, मेरी बात गांठ बांध लो, ठीक है? तो मल्टीपल रिवीजन करना है तो करना है, कोई एक्सक्यूजेस नहीं, कसम खा लो कि डेफिनेटली हम करेंगे जितना हमने पढ़ रखा है। कुछ ये नहीं है कि रिवीजन टाइम में कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने लग गए, जितना पहले से पढ़ रखे हो उसी को बस रिवाइज करते जाओगे, ठीक है? कुछ नया रिवाइज में क्या होगा पता है, एक बार पुराना टॉपिक रिवाइज कर रहे हो, अब मान लो कल न्यूज में कोई नया केस लॉस देख लिया, कोई नया कुछ बिल देख लिया, तो अब रिवाइज करते टाइम क्या होगा, आप उस नोट्स को उसमें अटैच कर सकते हो, अपडेटेड है ना, उसको अपडेटेड कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो, अपने नोट्स को उसमें अटैच कर दोगे कि हाँ भाई ये अमेंडमेंट हुआ है तो अब ये जो है इसको अपडेट करना पड़ जाएगा। यू वॉन्ट बिलीव गाइज, पिछले साल के 2023 के पेपर में, दिसंबर में जो पेपर हुआ था, नवंबर 2022 का केस लॉस तक पूछा गया था। तो यू आप ये नहीं सोच सकते हो कि दिसंबर में पेपर है तो सितंबर तक पढ़ के छोड़ देते हैं, आखिरी 3 महीने का कौन देने जा रहा है, 2 महीने का। लेकिन ये मत गलती मत करना, लास्ट नवंबर तक के आपको पढ़ाई करनी है, नवंबर तक के अमेंडमेंट, नवंबर तक के केस लॉस, नवंबर तक के बिल्स। अभी यूसीसी का अगर बिल आ जाता है तो वो भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, अगर नवंबर तक आ गया, क्रिमिनल लॉ का बिल आ गया बट अभी आप उसको सेक्शन जो है आपके चेंजेस चेंज सेक्शन जो है उसको नहीं पढ़ सकते हो क्योंकि अभी वो एक्ट नहीं बना है, बट डेफिनेटली दिमाग में रखो इन बातों को कि बिल क्या आया है, क्या करने के लिए आया है, उसका एम क्या है, ठीक है? ये थोड़ी बहुत चीजें इंफॉर्मेशन रखिएगा। सो दिस वॉज इट फॉर दिस वीडियो, आज का जो 90+ मार्क्स स्कोर करने का वीडियो था ये था। सेकेंड हमारा उसके बाद जो और एक नया फॉर्मूला आता है वो ये है कि आप अगर अनअकैडमी का अचीवर्स बैच ज्वाइन कर लेते हो तो डेफिनेटली फिर आपका सिलेक्शन होने वाला है, ठीक है? क्योंकि आप अपनी तैयारी में अकेले नहीं हो, हम आपके साथ हैं और हम आपका सिलेक्शन करवाएंगे। अगर ये कोड यूज करते हो MSing10 तो आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा अचीवर्स बैच में। इसकी खासियत ये है कि यहाँ पर आपको लाइव क्लासेस प्रोवाइड कराई जाती हैं, आपको बेस्ट एजुकेटर से पढ़ने का मौका मिलता है, लाइव टेस्ट और लाइव क्विजेस भी होती हैं मॉक्स के साथ साथ, और इन क्लास PDF आपको प्रोवाइड करी जाती है, यानी नोट्स बनाने की टेंशन खत्म, सब कुछ हमें बैठे बिठाए मिल रहा है। अगर मेरे से कॉन्स्टिट्यूशन लॉ पढ़ना चाहते हो, मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, तो आप इस QR कोड को स्कैन करके ये वाला कोर्स ले सकते हो। सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाएगा अनअकैडमी स्टोर्स पे, एक्सक्लूसिवली अवेलेबल है 15999 में, और अगर ये कोड यूज कर लिया MSing10 तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। अगर एक बार मेरे से कॉन्स्टिट्यूशन लॉ यहाँ पे पढ़ लिया, क्योंकि यहाँ पे मैं कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस कवर करती हूँ, तो आपको कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है। स्ट्रक्चर्ड यहाँ पे लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिलती हैं, और इन क्लास डाउट सॉल्विंग सेशन इज द मेन फीचर ऑफ दिस कोर्स। अनअकैडमी लाया है ऑल इंडिया क्लैट PG 2024 मॉक टेस्ट सीरीज पैक ऑफ 20, जो मैंने आपसे अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि पैक ऑफ 20 है, ठीक है? ये 1900 में आपके पास अवेलेबल है, 20 मॉक्स। अगर आपने MSing10 ये कोड यूज कर लिया तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। ये मॉक्स लाइव होते हैं, क्लैट के टाइम पर होते हैं। ये स्पेशल लाइव क्लासेस हैं अनअकैडमी की, जो मैं अनअकैडमी की वेबसाइट पे लेती हूँ, आप ऐप के थ्रू जा सकते हो, वहां पर मेरी प्रोफाइल को अगर आप फॉलो कर लोगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। हर ट्यूजडे थर्सडे को 6:30 बजे शाम को मैं ये क्लास लेती हूँ। ये क्लासेस इंपॉर्टेंट है सारे अपकमिंग LLM एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए। अनअकैडमी का QR, ये टेलीग्राम चैनल का QR कोड ये रहा, अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो फटाफट से इसको स्कैन कर लो और इसको ज्वाइन कर लो, जिससे कि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहेंगी। सो गाइस, दिस वाज इट फॉर टुडे। बाय फॉलोइंग ऑल दीज फॉर्मूलाज आपको 90+ मार्क्स डेफिनेटली मिल जाएंगे, आई अश्योर दिस, क्योंकि लेकिन अगर आप डेडिकेटली करते हो, अगर आप रिलीजियसली इन चीज़ों को फॉलो करते हो तो डेफिनेटली ये होने वाला है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर वीडियो पसंद आया हो लाइक जरूर करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय, टेक केयर।